क्या आपके पास समय है? क्या उसके पास कोई गन है? क्या उन लोगों के पास घर है? क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? क्या उनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं? इस प्रकार के सेंटेंसेस का अनुवाद आपने किया होगा, बेशक किया होगा आपने, और आपने ऐसे वाक्यों का अनुवाद किया होगा हैव और हैज़ का यूज़ करके, यानी आपने हैव और हैज़ को हेल्पिंग वर्ब बनाया होगा और उसके बाद आपने अनुवाद किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी डू और डज़ को हेल्पिंग वर्ब बना करके क्या आपने कभी अनुवाद किया है? अगर आपने नहीं किया है तो मैं आज इस वीडियो में आपको दो तरीके से अनुवाद करना सिखाऊंगा, एक ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग और दूसरे अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं हूं एमएस अली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। इन दोनों इंग्लिश की बात होने वाली है, यानी इन दोनों देशों में जिस तरीके के हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं उन दोनों की मैं बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तभी जा करके इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो समझ पाओगे। और इस वीडियो को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है नेगेटिव के रूप में, यानी वो जो सेंटेंसेज मैंने बताए थे वो नेगेटिव वाले थे, लेकिन आज के जो सेंटेंसेज होंगे वो इंटरोगेटिव होंगे। और आपको तो पता है कि इंटरोगेटिव की शुरुआत में क्या लगा रहता है, और जब कभी भी शुरुआत में क्या लगा रहता है ना, तो हम उन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उन्हें हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नबोधक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेज लिख रखे हैं हिंदी के, क्या तुम्हारे पास पैसा है, और फिर क्या उसके पास समय है। इन दोनों सेंटेंसेज में आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, है ना, दोनों में क्या पहले आया हुआ है ना, इसमें भी क्या और इसमें भी क्या, यानी इन दोनों में क्या आए हुए हैं। तो इन क्या के लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले सेंटेंस के सारांश को समझते हैं, सेंटेंस के अर्थ को समझते हैं। क्या तुम्हारे पास पैसा है, यानी कोई चीज़ पास होने का बोध हो रहा है। क्या उसके पास समय है, कोई भी चीज़ पास होने का बोध हो रहा है। तो जब भी कोई चीज़ पास होने का बोध होता है ना, तो हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया करते हैं, और हैव हैज़ को हेल्पिंग वर्ब मान कर चलते हैं। तो चलो अनुवाद करते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसा है। तो यहाँ क्या के लिए मैंने हैव को पहले कर दिया है, क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसको हम पहले कर दिया करते हैं क्या देख करके। तो यहाँ पर जब हमने हैव पहले कर दिया ना, तो इस क्या का भी काम ख़त्म है, और फिर पास है का भी काम ख़त्म हमने कर दिया है। यानी एक वर्ड को पहले करने से तीन शब्दों के अर्थ को इसने दे दिया। हैव को पहले किया तो क्या का अर्थ ख़त्म, पास का अर्थ ख़त्म, और है का अर्थ ख़त्म। अब क्या करना है, तुम्हारे, तो तुम्हारे के लिए हमने यू, और बचता है कौन, पैसा, तो पैसे के लिए हमने कर दिया मनी, है ना, आसान। फिर से एक बार, क्या, पास और है, इन सब के लिए हमने हैव को पहले कर दिया, तुम्हारे के लिए यू कर दिया, और पैसा के लिए मनी कर दिया, हैव यू मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है या पैसे हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो भाई ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आप अगर हैव और हैज को पहले करके बनाओगे ना, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगी। हैज़ कब करोगे, जब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट उसे होता, उसको होता, कोई एक नाम होता जिनसे सिंगुलर होने का बोध हो, तो आप हैज़ को पहले करके बना दिया करते हैं। जब आप हैज़ को पहले करते ना, तो भी क्या का अर्थ ख़त्म होता, पास का अर्थ ख़त्म होता, और है का भी अर्थ वो ख़त्म कर देता। तो ये तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग हुआ, अब अमेरिकन के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर अमेरिकन में क्या करना होता है ना, इस हैव को हेल्पिंग वर्ब नहीं माना जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अलग से डू या डज का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग डू का प्रयोग किया हुआ है, डू यू। इसमें था कि हैव को हेल्पिंग वर्ब हमने मानी थी, और हमने हैव का इस्तेमाल किया था, हैव यू मनी, लेकिन इसमें हमने किया है डू यू हैव मनी। चलो इसको समझ लेते हैं, ओके। हमने क्या के लिए डू को पहले कर दिया है, ठीक है ना, फिर तुम्हारे के लिए हमने यू को पहले, यू को उसके बाद कर दिया है ना, क्या के लिए डू को हमने कर दिया, तुम्हारे के लिए यू को कर दिया। अब पास और है, इन दोनों के लिए हमने हैव यहाँ पर लगा दिया है सब्जेक्ट के बाद। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव का मतलब क्या तुम्हारे पास है। अब किस चीज़ की बात हो रही है, पैसा, तो पैसा की बात हो रही है, यहाँ पर इकले छूट गया है, पैसा की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने मनी लगा दिया। अगर मुझे बनाना होता क्या उसके पास पैसा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते, डज कर देते, डज ही हैव मनी, है ना, और ये होगा हमारा अमेरिकन इंग्लिश। फिर से इसको एक बार समझा देता हूँ, क्या के लिए हमने डू को पहले कर दिया, क्यों, क्योंकि यू के साथ डू आता है, इसलिए हमने डू को पहले कर दिया। फिर तुम्हारे के लिए हमने यू कर दिया, ओके, और पास है के लिए हमने हैव लगा दिया, बचता है पैसा, तो हमने मनी रख दिया। ये हुई अमेरिकन इंग्लिश। तो आप हैव हैज को पहले करके अगर बनाते हो तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप बोलते हो या बनाते हो, और यदि डू या डज को पहले करके बनाते हो तो ये हो जाती है आपकी अमेरिकन इंग्लिश। अब हम बात करते हैं इसकी, है ना, तो क्या उसके पास समय है, है ना,
तो फिर यहाँ पर ब्रिटिश को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें हैव या हैज में से किसी एक को पहले करना होगा। तो यहाँ पर उसके की इंग्लिश ही या शी होती है। यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि समय जिसके पास है वो फीमेल है या मेल है, वो पुरुष है या स्त्री है, लड़का है या लड़की है। इसलिए हमने यहाँ पर ही शी दोनों में से किसी एक को हम कर सकते हैं या हमने दोनों को कर दिया है। ओके, तो क्या के लिए, पास के लिए और है के लिए, इन तीनों के लिए हमने हैज को पहले कर दिया है। इसमें इन तीनों के लिए हमने हैव को पहले किया था क्योंकि यू के साथ हैव आता है और इसमें ही शी आया हुआ है, इसलिए हमने हैज को पहले कर दिया है। ओके, हैज को पहले करते ही क्या का काम खत्म, पास का काम खत्म, है का काम खत्म। अब उसके के लिए ही या शी, बचता क्या है पैसा, सॉरी बचता क्या है समय, तो समय के लिए हमने टाइम कर दिया है। फिर से एक बार, क्या के लिए हमने हैज किया, जब हमने हैज पहले किया ना, ही शी के अनुसार हैज पहले किया, तो क्या का काम खत्म, पास का काम खत्म, है का काम खत्म। अब बचते हैं उसके और समय, तो उसके के लिए ही या शी और समय के लिए हमने टाइम लगा दिया। तो इस प्रकार से जब हमने बनाया हैज को पहले करके, तो ये हुई हमारी ब्रिटिश इंग्लिश। अब बात करते हैं अमेरिकन इंग्लिश की। तो अमेरिकन इंग्लिश में आपको पता है कि डू या डज को आप पहले करोगे, तो यहाँ पर ही या शी के अनुसार हमने डज को पहले किया है। जब हमने डज को पहले किया ना, तो सिर्फ क्या का काम खत्म करेगा ये। ओके, डज को हमने पहले किया तो ये सिर्फ क्या का काम खत्म करेगा, उसके के लिए ही या शी कर देंगे, और पास है के लिए हमने हैव लगाया है, पास है के लिए हमने हैव लगाया है। बचता क्या है अब, समय, तो हमने इसको टाइम लगा दिया। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि हैव हैज वाले सेंटेंसेस को अगर आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH या WH नेगेटिव अगर आप करना चाहते हो, तो आपको दो तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ हैव हैज को हेल्पिंग वर्ब मानकर बनाते हो तो वो आपकी ब्रिटिश इंग्लिश होगी, और अगर आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज को बना करके अगर आप करते हो ट्रांसलेट, तो वो हो जाएगी आपकी अमेरिकन इंग्लिश। ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कुछ सेंटेंसेज लिखकर भी बताना कि आप ऐसे सेंटेंसेज को बना पाते हो या नहीं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी एजुकेटिव, कुछ और भी इफेक्टिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो।